मतलब बिना क्लच का यूज करके हम गियर कैसे अप शिफ्ट कर सकते हैं, डाउन शिफ्ट कर सकते हैं? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ये वीडियो होने वाली है कि यार टाइटल तो अपने पढ़ ही लिया होगा, तो व्हाट इज क्लचलेस अपशिफ्ट एंड व्हाट इज क्लचलेस डाउनशिफ्ट। तो भाई आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे यार क्लचलेस है मतलब बिना क्लच का यूज़ करके हम गियर कैसे अप शिफ्ट कर सकते हैं, डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। तो भाई अपशिफ्ट तो ठीक है भाई गियर, लेकिन डाउन शिफ्ट नहीं करना चाहिए भाई। भाई जो सुपर बाइक्स में तो ऑटो ब्लिपर आता है और क्विक शिफ्टर भी आता है, तो आप वो इसीलिए होता है भाई कि आप अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सको। तो लेकिन जिन गाड़ियों में नहीं है तो भाई आप अपशिफ्ट तो कर सकते हो, डाउन शिफ्ट मत करना भाई। इंजन आप कर तो सकते हो, लेकिन यही है इंजन को हार्म हो सकता है अगर गलत करे तो। और जिन गाड़ियों में स्लिपर क्लच है भाई, ये फिर से बोल रहा हूँ, जिन गाड़ियों में स्लिपर क्लच है उनमें आप इजीली डाउन शिफ्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, एक्सीलेटर बस ये देखो कम है मेरा, मेरे को बस गियर प्रेस करना है मेरा, ये देखो थर्ड गियर। तो भाई लेकिन नहीं करना क्योंकि इंजन को हार्म हो सकता है। और भाई डाउन शिफ्ट में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़ भी। तो भाई इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है भाई, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से इसको यूज़ करना है। अगर आपने सही करा तो आपकी क्लच प्लेट बचेंगी, आपका माइलेज अच्छा निकलेगा, यही सब है भाई। और गलत करोगे तो इंजन पे हार्म होगा, इंजन पे फर्क तो आएगा ही आएगा भाई। तो एक मिनट रुक के समझा देता हूँ आपको करना क्या है। तो भाई आप लोग को जैसे शिफ्ट, आप लोग को क्या करना है, जब जैसे आप जो क्लच के लिए करते हो एक्सीलेटर डाउन, क्लच को प्रेस करते हो और गियर अप करके क्लच छोड़ते हो, एक्सीलेटर देते हो, ये प्रोसेस करते हो आप जल्दी जल्दी। जब आप रेस करते हो आप इसको थोड़ा तेज करते हो, ये ऐसे ऐसे करते हो आप इसको डाउन क्लच और ये। तो इस प्रोसेस में हम ये तो सेम रखेंगे जो एक्सीलेटर है, बस हम ये क्लच का जो यूज़ ही हटा देंगे। हमें गाड़ी चलानी है तो बेस का यूज़ हम हटा देंगे। हमें चलानी है गाड़ी, ये हमने मतलब एक्सीलेटर दिया, हमें तुरंत इसको नीचे करके ऊपर लाना है। तो ये हाँ फ्रेंड, तो यही चीज़ होने वाली है, हमें इसको नीचे करके तुरंत ऊपर लाना है। तो मैं आपको एकदम सिखा मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो भाई फर्स्ट से सेकंड गियर मत करो क्योंकि न्यूट्रल आता है बीच में। तो ये देखो भाई ये है, तो ये भाई थर्ड गियर डल चुका है, मैंने क्लच बिल्कुल नहीं दबाया भाई। आप गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी देख सकते हो यार, भरोसा नहीं हो रहा हो भाई। तो अपने में गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है, मैंने सोचा था कि पैर पर रख दूंगा मतलब ये कैमरा भी पैर पर लगा लूंगा, लेकिन भाई ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर तो थोड़ा इस्तेमाल करा जाए उसका। ये देखो भाई, ये आपको एक्सीलेटर ऐसे रखना है, ये डाउन करके गियर अप मारना है, थोड़ा सा पैर मतलब गियर पे आपको हिट मारना है, एक जैसे नॉर्मल गियर शिफ्ट करते हो बस वैसे ही करना है। और देखो हल्का सा पैर रखो, हल्का सा गियर पे दबा के रखो हल्का सा, और जैसे ही टाइम आए, ये थर्ड, ये देख लो भाई ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, जैसे जैसे गियर ऊपर होते जाएंगे वैसे वैसे जो शिफ्ट हैं वो स्मूथ होती जाएंगी भाई। तो भाई पता ही नहीं चलेगा गियर कब बदल दिया, जो पीछे बैठा होगा वो बोलेगा भाई गियर तो बदल दे, तो भाई उसे पता ही नहीं चलेगा आपने कब गियर बदल दिया। तो भाई ये टेक्निक इन्वेंट हुई थी भाई मतलब मोटो जीपी में रेस के टाइम, तो भाई वो रेसर का नाम तो मुझे याद नहीं यार, तो भाई उन्होंने इन्वेंट करी थी ये। तो भाई आपको देना ये देखो, बस क्लच नहीं दबाना है, ये आपको प्रोसेस वही सेम रखनी है। आप क्या करते हो, अपन क्या करते थे, अपन चला रहे हैं क्लच दबाया अप शिफ्ट मारा क्लच छोड़ा एक्सीलेटर दिया, तो अपने को बस ये चीज़ करनी क्लच हटा देना है और ये तुरंत करना है अपने को, तुरंत एक्सीलेटर डाउन करके तुरंत जैसे ही एक्सीलेटर डाउन होगा वैसे ही गियर हिट होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ा वैसे ही गियर पे आप मारना है। ये देखो एक्सीलेटर छोड़ के तुरंत मारना है, ठीक है रुक जाओ, ये देखो ये मार के तुरंत ये देना है भाई, पता ही नहीं चलता भाई कि कब गियर चेंज हुआ। चलो गाड़ी घुमा लें यार आगे से, फिर वही है। तो यार गाइस यही है, लेकिन अगर आप फर्स्ट से सेकंड पे आप शिफ्ट तो मार सकते हो, लेकिन मत मारो यार क्योंकि बीच में न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल लग जाएगा। तो रहने तो रिस्क मत लो, फर्स्ट से सेकंड आप मारो, थर्ड पे देखो आप डाउन करना है, आपको एक्सीलेटर डाउन करना है और सीधा जैसे ही एक्सीलेटर डाउन होगा वैसे ही गियर पे आपको पैर मारना है। चल रही गाड़ी, ये डाउन किया, ये पैर हिट मारा, गियर चेंज हुआ वापस से। तो भाई ये 0.5 सेकंड का भी काम नहीं रहता भाई, ये देखो तुरंत चेंज होते हैं भाई गियर। तो भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी भाई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो शिफ्टिंग है वो स्मूथ होती जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो भाई। तो यार ये मत सोचना कि इंजन को हार्म होगा, अगर सही तरीके से करोगे तो बिल्कुल हार्म नहीं होगा, उसको गलत करोगे तो यार उसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे भाई। भाई खाना ज़्यादा खाओगे तो भाई साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे भाई, पेट निकलेगा, फैट इकट्ठा होगा भाई, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि भाई सही तरीके से करोगे कुछ हार्म नहीं होगा इंजन को भाई,
सही तरीके से करना, बस मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि सही तरीके से करोगे कुछ नहीं होगा। और डाउन शिफ्ट मत करो भाई, क्लच से करो भाई डाउन शिफ्ट, कोई बहुत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लच से करो बस। हाँ अप शिफ्ट तो भाई एक्सीलेटर दे देखो, ये थोड़ा तेज, तो भाई ये थोड़ा तेज में हो गया भाई, बहुत स्मूथ प्रोसेस रहता है भाई, ये बिल्कुल स्मूथ कर सकते हो आप इस चीज़ को भाई। हाँ डाउन करके जैसी हिट मारोगे गियर तुरंत बढ़ाने, आप लोग को वेट नहीं करना, ये देखो ये चल रही है, तुरंत डाउन देके तुरंत एक्सीलेटर डाउन करो, गियर पे हिट करो और तुरंत एक्सीलेटर बढ़ा दो, मतलब यही है भाई क्लच लेस अप शिफ्ट। तो भाई यही टर्म होती है भाई क्लच लेस अप शिफ्ट, मतलब बिना क्लच के शिफ्टिंग करना। सेकेंड गियर पे कर तो सकता हूँ, मेरे को आता है, मैं लेकिन कर रहा हूँ मत यार, देख लो भाई सेकेंड फर्स्ट है, थोड़ा सा झटका लगता है इसलिए बोल रहा हूँ मत करो भाई, ये नहीं कि मुझे नहीं आता शिफ्ट करते भाई, आता है लेकिन मत करो वही बोल रहा हूँ। ये देखो भाई फिफ्थ गियर डलता, पता ही नहीं चलता भाई, ये देखो भाई हाथ ये रखा सिक्स्थ गियर डल गया भाई, तो यही है भाई पता नहीं चलता भाई। तो भाई जो हम ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं फिर गियर पे आप मार रहे हैं एक्सीलेटर दे रहे हैं, जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि भाई सही हो रहा है कि नहीं, तो यार इन सब मेहनतों को बचाने के लिए जो सुपर बाइक्स हैं उनमें आता है क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर, तो यार आप V3 में भी लगवा सकते हो, लेकिन खर्चा क्यों कर रहे हो जब आप सीख सकते हो। ये देखो थर्ड फोर्थ कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, ये रहा ये सिक्स फिफ्थ गियर डाल चुका है, ये सिक्स गियर डाल चुका है, तो भाई इस मेहनत को बचाने के लिए आता है क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर जो सुपर बाइक्स में आता है भाई। थोड़ा हैवी सीसी रहता है उसमें, तो आपको तो कुछ नहीं करना था भाई, बस एक्सीलेटर देकर रखना और पैर मारना बस गियर पे, गियर बदलते जाएगा गाड़ी सब अपने आप करेगी, तो भाई यही रहता है भाई, टेक्नोलॉजी इसी का नाम है यार, काम आसान करती है आपका, ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि कब एक्सीलेटर डाउन करूं और कब पैर मारूं, कब एक्सीलेटर ज़्यादा करूं। तो एक छोटा सा रन करके देखेंगे, क्लचलेस शिफ्ट करेंगे हम, ये देख लो भाई ये हाथ रखा है, तो देखा भाई कितनी जल्दी 70 पहुंची, मैंने ज़्यादा खींची भी नहीं गाड़ी, तो भाई यही फ़ायदा होता है भाई क्लचलेस शिफ्ट के भाई, क्लच भी बचता है, क्लच आपकी क्लच प्लेट भी बचेंगी और भाई आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा गाड़ी से। तो भाई जितना ऊंचे गियर पर करोगे उतना स्मूथ आ जाएगा भाई, तुरंत तुरंत ऐसे करके आपको डाउन मार के तुरंत आप मारना है ऐसे, मतलब पूरे एक्सीलेटर नहीं घुमा देना है कि डाउन करके पूरा घुमा दूं, ये पैर मारना है, जैसी एक्सीलेटर डाउन वैसी पैर मारो और तुरंत एकदम से उठा दो गाड़ी को, तो भाई सीखते जाओगे ये वे स्मूथ होता जाएगा, जो प्रोसेस है स्मूथ होती जाएगी, ये चीज़ रहती है भाई, जैसे ये याद रखो जैसी एक्सीलेटर डाउन वैसी गियर पर हिट मारो और वैसी एक्सीलेटर दे दो, तो भाई प्रैक्टिस करो।